क्या 2025 में आरबीआई ग्रेड भी रिक्रूटमेंट नहीं होगा, यही सोच रहे हो ना? हाय, दिस इज आशुतोष शर्मा। आई हैव क्लियर्ड एवरी बैंक एग्जाम इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट विद माय ओन स्ट्रेटजी। तो इस समय एक बहुत बड़ा रूमर स्प्रेड हो रहा है सोशल मीडिया पे एंड एस्पेशली यूट्यूब पे कि जो आरबीआई ग्रेड बी का 2025 रिक्रूटमेंट है, इट विल नॉट हैपन। आरबीआई इज गोइंग टू स्टॉप इट्स रिक्रूटमेंट फॉर ग्रेड बी पोस्ट। बट एज पर द लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो आपका आरबीआई ग्रेड बी रिक्रूटमेंट है इसको लेके दे हैव नॉट टेकन एनी सच डिसीजन। सो दिस रूमर इज कम्प्लीटली अ फेक न्यूज विच इज बींग स्प्रेड एज अ पार्ट ऑफ अ मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन। तो जो भी सीरियस स्टूडेंट्स हैं उन्हें बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना है, आपको बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। अगर आप आरबीआई ग्रेड बी को टारगेट करके चल रहे हो तो मैं एक बात क्लियर कर दे रहा हूँ, आपका एग्जाम 2025 में डेफिनेटली कंडक्ट होने वाला है, ठीक है? एंड इसी वीडियो के थ्रू मैं आपको एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी प्रोवाइड कर रहा हूँ, एक प्रॉपर टाइम टेबल प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर कोई स्टूडेंट बिगिनर है, बिल्कुल जीरो लेवल से, फ्रॉम कंप्लीट स्क्रैच, आज से आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करके इसी अटेम्प्ट में, जो आपका कमिंग अटेम्प्ट होगा 2025 में, उसमें आप आरबीआई ग्रेड बी क्रैक कर जाओगे, पूरी स्ट्रैटेजी मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो अब मैं आपको सब्जेक्ट वाइज प्लान प्रोवाइड करूंगा जो आपको आज से फॉलो करना है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्या सोर्सेज हमें फॉलो करने हैं प्रिपरेशन करने के लिए। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आप इस सब्जेक्ट के लिए यहाँ से बुक्स ले लीजिए, इस सब्जेक्ट के लिए यहाँ से क्लासेस ले लीजिए एंड अलग अलग सोर्सेज मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि जो आपकी प्रिपरेशन है वो एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में होनी चाहिए। हैफ हैजर्ड वे में हमें अपनी प्रिपरेशन नहीं करनी, ठीक है? मुझे यूट्यूब के बहुत से चैनल्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर चैनल्स हैं फॉर आरबीआई ग्रेड बी, उनके मुझे मैसेजेस आते हैं कि सर हमारी पेड क्लास, हमारे पेड बैचेस, हमारा क्रैश कोर्स, ये सब आप प्रमोट कीजिए। आई डू नॉट बिलीव इन एनी काइंड ऑफ पेड प्रमोशंस, इसीलिए मैं आपको कभी भी कोई ऐसे सोर्स नहीं बताता अपने चैनल पे जो मैंने खुद अपने टाइम पे यूज़ ना करूँ। व्हेन आई वाज आरबीआई ग्रेड बी एस्पिरेंट, व्हेन आई वाज एसबीआई पीओ एस्पिरेंट, व्हेन आई वाज आईबीपीएस पीओ एस्पिरेंट, मैं आपको सिर्फ वही सोर्सेज बताता हूँ जो मैंने खुद बैंक एग्जाम्स की प्रिपरेशन में यूज़ करे थे व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट एंड जिनसे मुझे सच में फ़ायदा मिला एंड जिन्हें फॉलो करके मेरा सिलेक्शन हो पाया। तो मैं आपको एक सिंगल सोर्स बता रहा हूँ जिससे आपकी आरबीआई ग्रेड बी 2025 के फेज़ वन, फेज़ टू एंड इंटरव्यू तीनों की कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी एंड उसके बाद आपको और कोई भी पेड सोर्स नहीं लेना पड़ेगा। बिगिनर टू बैंकर कोर्स, इट इज़ टोटली एंड कम्प्लीटली इनफ फॉर फेज़ वन, फेज़ टू एज वेल एज योर इंटरव्यू। इसमें आपकी बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट होगी, बिल्कुल जीरो लेवल से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी फॉर ऑल दी सब्जेक्ट्स, ठीक है? तो ये जो कोर्स है इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो हर साल इसको फॉलो करके सिलेक्शन ले रहे हैं, तो अगर आपको क्लियर करना है तो दिस इज द बेस्ट सोर्स फॉर आरबीआई ग्रेड बी 2025। आप इसे ले लीजिए एंड आज से स्टार्ट कीजिए। नाउ वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द स्ट्रैटेजी पार्ट कि कैसे आज से आपको बिल्कुल जीरो लेवल से अपनी प्रिपरेशन करते हुए चलना है, ठीक है? तो अब हम लोग बात करते हैं क्या आपको प्रिपरेशन करनी है। तो जो आपका फेज़ वन होगा उसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स आएंगे, उसमें आपका आएगा इंग्लिश, मैथमेटिक्स, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस। जो आपका फेज़ टू होगा उसमें आपका आएगा फाइनेंस एंड मैनेजमेंट विच इज़ वन सब्जेक्ट, सेकंड इज़ योर इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़ एंड थर्ड इज़ योर इंग्लिश। फाइनली आपका उसके बाद फेज़ टू के बाद इंटरव्यू होगा। तो आज से आपको क्या करना है, आपको फेज़ वन और फेज़ टू दोनों की प्रिपरेशन एक साथ करते हुए चलना है। अभी आपके पास प्रॉपर एंड एम्पल टाइम है प्रिपरेशन करने का, इसलिए आप एक स्ट्रक्चर्ड वे में अपनी तैयारी करेंगे। अभी आपको मैथ्स और रीजनिंग दोनों सब्जेक्ट डेली बेसिस पे पढ़ने की नीड नहीं है, आप मैथमेटिक्स से स्टार्ट करेंगे। इसी कोर्स के अंदर जो मैंने आपको बताया है इसमें बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको वीडियो क्लासेस मिल जाएंगी ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक, ठीक है? ये एक प्रोग्रेस बेस्ड कोर्स है, जैसे जैसे आप इसमें प्रोसीड करोगे ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट और नेक्स्ट लेवल्स का कंटेंट, वीडियोस, क्लासेस, सब कुछ अनलॉक होता जाएगा। तो आप फर्स्ट वीडियो क्लास डेली, आपको एक वीडियो लेक्चर अटेंड करना है इस कोर्स के अंदर जिसमें एक मैथ्स का एक्सपर्ट आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से सिखाएगा ईच एंड एवरी टॉपिक, ताकि आपका पहले बेस स्ट्रांग हो जाए एंड उसके बाद आपको एग्जाम लेवल की ट्रिक्स एंड टेक्निक सिखाई जाएंगी। तो डेली आप एक मैथ्स की वीडियो क्लास इसके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन में से आप डेली एक क्लास करेंगे। रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं तो ऐसा कोई लाइव क्लास अटेंड करने का इशू नहीं रहेगा। मैं भी इसी के थ्रू रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखता था। लेट से आपको रात को 11-12 बजे टाइम फ्री मिला तो आपने तब एक लेक्चर इसका अटेंड कर लिया। एक क्लास डेली अटेंड करनी है, उसके बाद 10 आपको बेसिक लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है? इसी कोर्स के अंदर से बेसिक
कि जो क्वांट की ईबुक है उसमें से, उसके बाद आपको 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इसी कोर्स के अंदर से। जो आपके आंसर्स आएंगे वो आप इसमें से मैच करोगे, इसमें सॉल्व क्वेश्चन हैं विद प्रॉपर आंसर्स, ठीक है। जो भी आपके मन में डाउट्स रहेंगे कि इस क्वेश्चन को ऐसे क्यों किया गया, इस क्वेश्चन का ये आंसर क्यों है, क्या इस क्वेश्चन को इस मेथड से कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी आपके माइंड में डाउट है, इसी कोर्स के अंदर आपको 24/7 एक्सपर्ट हेल्पलाइन मिल जाती है, जिसमें आप खुद एक्सपर्ट को कॉन्टैक्ट कर सकते हो एंड जो भी आपके माइंड में डाउट है उसको उसी समय क्लियर कर सकते हो। नेक्स्ट डे के लिए कोई भी डाउट लेके नहीं जाना है। जब मैं अपनी तैयारी कर रहा था, जो भी मेरे माइंड में डाउट्स होते थे, मैं डेली बेसिस पे इनके एक्सपर्ट से पूछ पूछ के अपनी माइंड में टोटल क्लैरिटी रखता था, ताकि नेक्स्ट डे मुझे ये ना लगे कि कल मैंने ये क्वेश्चन करा था एंड उसका आंसर मुझे अभी तक समझ नहीं आया। डेली बेसिस पे जब डाउट्स क्लियर होते रहते हैं तो आपका बेस स्ट्रांग होता हुआ जाता है, ठीक है। तो डेली आप एक क्लास अटेंड करेंगे, 10 बेसिक लेवल के क्वेश्चन, 10 एग्जाम लेवल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड अपने डाउट्स क्लियर करेंगे इस कोर्स के अंदर। ये आपको मैथ्स में करना है। जब आपका मैथ्स का सिलेबस हो जाएगा उसके बाद आप रीजनिंग पे मूव ऑन करोगे। अभी आपको दोनों चीज़ें एक साथ पढ़ने की नीड नहीं है। सेकेंड क्या चीज़ करनी है आपको, ESI और FNM, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। ये फेज टू का पार्ट है, बट ये फेज वन का भी पार्ट है। वो कैसे, क्योंकि जनरल अवेयरनेस जो है उसके करंट अफेयर अभी आपको नहीं करने। अभी आपको करंट अफेयर जो आप करोगे वो एग्जाम में नहीं आएंगे 2025 में, बट जो स्टैटिक पार्ट है वो स्टैटिक पार्ट ऑफ ESI एंड स्टैटिक पार्ट ऑफ FNM, यानी कि जो फेज टू के सब्जेक्ट्स हैं वो GA सेक्शन में पूछे जाते हैं ऑफ इन द स्टैटिक फॉर्म। तो आपको क्या करना है, ESI के जो इसमें लेसन दे रखे हैं बिल्कुल बेसिक से इसी कोर्स के अंदर, डेली एक लेसन आपको इसमें से पढ़ना है, उसके बाद आपको एक सेट सॉल्व करना है उसी चैप्टर से रिलेटेड जो इसके अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यानी कि MCQ दे रखे हैं, तो डेली एक सेट उसका करना है, ठीक है। एंड उसके बाद आपको एक डिस्क्रिप्टिव का मॉक टेस्ट देना है इसी कोर्स के अंदर से। जो आप मॉक दोगे इसमें वो एक्सपर्ट आपके मॉक को चेक करेंगे एंड आपको एक प्रॉपर फीडबैक देंगे कि इस डिस्क्रिप्टिव आंसर को कैसे लिखा जा सकता था बेटर वे में, क्या चीज़ें आपने सही लिखी, क्या आपने मिस्टेक्स करी, एंड उस फीडबैक को आप समझिए ताकि आप इम्प्रूव करें व्हेन यू गिव द मॉक टेस्ट नेक्स्ट टाइम। तो डेली बेसिस पे ये आपको करना है ऑफ ESI एंड FNM। अगर आपके पास अभी ज़्यादा टाइम है, आप वर्किंग एस्पिरेंट नहीं हो, तो आप ESI और FNM दोनों करते हुए चलिए डेली बेसिस पे, मेरे आपसे यही सजेशन होगा। अगर आप एक वर्किंग एस्पिरेंट हो, आपको आपके पास कम टाइम है, तो आप आज अगर ESI पढ़ रहे हो, एक लेसन उसका पढ़ रहे हो, एक आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि MCQ कर रहे हो एंड एक डिस्क्रिप्टिव का मॉक दे रहे हो, तो कल आप FNM पढ़ो। वर्किंग एस्पिरेंट्स विल सॉल्व आइदर ESI और FNM, एंड दोज हु आर नॉन वर्किंग विच कैन गिव देयर होल टाइम टू द प्रिपरेशन, दे विल डू ESI एंड FNM बोथ ईच एंड एवरी डे। इसके बाद हम बात करेंगे इंग्लिश की। इंग्लिश सब्जेक्ट में आपकी ग्रामर स्ट्रांग होनी चाहिए, आपकी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम वेटेज इस टॉपिक को है। आपको क्लोज टेस्ट आना चाहिए करना। ये सब चीज़ें कहाँ से इम्प्रूव होंगी, इसी कोर्स के अंदर आपको कंप्लीट कंटेंट गिवन है फॉर प्रैक्टिस, ठीक है। तो आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के डेली 5 सेट इसमें से सॉल्व करने हैं RC की ईबुक में से। उसके बाद आपको क्या करना है, इसके अंदर जो ग्रामर की स्पीड ग्रामर ईबुक दे रखी है उसमें वो सारे रूल्स गिवन है जो RBI ग्रेड बी की इंग्लिश में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो डेली आपको स्पीड ग्रामर के 2 पेज पढ़ने हैं एंड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सेक्शन है उसमें से डेली 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करने हैं। 5 सेट RC के सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट डे आप 5 सेट क्लोज टेस्ट के करोगे। नेक्स्ट डे आप फिर से 5 सेट RC के करोगे। इस तरीके से आपको रिवॉल्यूशंस साइक्लिक वे में अपनी प्रिपरेशन करनी है। डेली आप ग्रामर के 2 पेज पढ़ोगे स्पीड ग्रामर ईबुक में से इसी कोर्स के अंदर, एंड उसके बाद आप क्या करोगे, फाइनली आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 10 सॉल्व करोगे इसी कोर्स के अंदर से। इस वे में आपको प्रिपरेशन करते हुए आपसे चलना है। मैंने आपको कंप्लीट स्ट्रैटेजी बता दी है। जनरल अवेयरनेस में अभी करंट अफेयर आपको नहीं करने। जो स्टैटिक पार्ट है इसके अंदर 301 MCQ की बुक है, उसको आप कीजिए स्टैटिक पार्ट के लिए। इंग्लिश अगर आपकी वीक है तो मैंने एक सिंगल वीडियो में 3 आवर्स की वीडियो में पूरी इंग्लिश पढ़ा दी है फॉर RBI ग्रेड बी। उसके बाद आपके पूरे बेसिक भी स्ट्रांग हो जाएंगे एंड मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस कोर्स के साथ साथ डेली बेसिस पे कोई एक टॉपिक मेरी उस 3 आवर वीडियो में से इंग्लिश का पढ़िए, ताकि आपकी इंग्लिश भी स्ट्रांग रहे, ठीक है। तो मैंने आपको कंप्लीट प्लान बता दिया है। RBI ग्रेड भी आपका 2025 में डेफिनेटली कंडक्ट होने वाला है। अब आपके माइंड में टोटल क्लैरिटी होनी चाहिए। आपको कोई भी चीज़ पोस्टपोन नहीं करनी है। कोई ये नहीं सोचना है कि मुझे अब टाइम टेबल मिल गया तो अब मैं इसको कल से स्टार्ट करूँगा। अगर आप आज से स्टार्ट करोगे तभी आप सिलेक्शन ले पाओगे। जो स्टूडेंट्स दे थिंक दे विल स्टार्ट लेटर ऑन, दे नेवर क्लियर द एग्जाम एंड टाइम इज़ नेवर इनफ एंड टाइम इज़ ऑलवेज रनिंग। तो आपका जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा प्रीशियस है।
आप इस बात की चाहे वैल्यू ना समझते हो, कोई ना कोई ऐसे स्टूडेंट जरूर होंगे जो इस बात की वैल्यू समझते हैं, एंड वो ये वीडियो फिनिश करते ही अपनी प्रिपरेशन मेरी बताई हुई स्ट्रैटेजी एंड सोर्स के अकॉर्डिंग स्टार्ट कर देंगे, एंड वही वो स्टूडेंट्स हैं दोज हु आर गोइंग टू गेट सेलेक्टेड इन आरबीआई ग्रेड बी 2025, एंड दोज हु हैव एक्सक्यूजेस राइट नाउ दे विल नॉट बी एबल टू क्लियर इट नो मैटर वॉट एवर दे डू लेटर ऑन. सो इफ यू आर सीरियस अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए. कोर्स का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, टाइम टेबल आपको बता दिया है. सो ऑल द बेस्ट फॉर आरबीआई ग्रेड बी 2025.